हाय मूवी शूगिंस, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है? आज तो फेलो सिटीजन्स जो हैं इंडियंस को भी हाय बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज है इंडिपेंडेंस डे। हम अपने 76th ईयर के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो सबको जय हिंद। और जय हिंद वाले दिन एक बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है एक नेशनल फिल्म मेकर से, जिसका नाम है प्रशांत नील। प्रशांत नील की इक्विटी इतनी स्ट्रांग है कि आज के टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रभास की लास्ट कुछ दो मूवीज़ बिल्कुल डब्बा गोल हुई, लेकिन उसके बावजूद इतनी एक्साइटमेंट है क्योंकि ये एक फ्रेंचाइजी का पार्ट होने वाला है जो कि KGF से शुरू होता है, सलार। तो आज सबके एक्साइटमेंट यही है कि जब 12:58 के ऊपर होमबले फिल्म्स कुछ अनाउंसमेंट करेंगे तो वो अनाउंसमेंट क्या होगा। अगर आप इन बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो दो चीज़ों के बारे में बात करी जाएगी कि एक तो ये कब रिलीज़ होगी और इसका जो क्लैश है वो टाइगर 3 से, और दूसरा एक जो चीज़ यहाँ पर दिखाई जाएगी आपको मोस्ट प्रॉबली वो है द फर्स्ट लुक ऑफ प्रभास, और इसको बोला जा रहा है द फर्स्ट यूनिट ऑफ सलार। इस तरीके से दिखाया जाएगा और नेवर सीन अवतार ऑफ प्रभास ग्रैंडर देन बाहुबली क्या हो सकता है, वही सब हम लोग यहाँ पर शायद विटनेस करने वाले हैं आज। और इसके अंदर बहुत ही क्लियर हो चुका है क्योंकि सुबह टाइगर 3 का भी अनाउंसमेंट आया, जो कि सलमान खान ने खुद अपने सोशल हैंडल पे किया कि किस तरीके से ये जर्नी रही है 10 साल की, और 10वें साल में अब 21 अप्रैल को टाइगर 3 आएगी और 14 अप्रैल को सलार आएगी। अब इसके अंदर मुझे ये लगता है कि इस मूवी के अंदर एक हफ्ते का गैप है, जो कि अच्छी बात है। दोनों बड़ी मूवीज़ को क्लैश होना नहीं चाहिए, बट ऑब्वियसली थोड़े बहुत कंपेरिजन तो होंगे क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा मास मूवीज़ होने वाली है, मास मसाला मूवीज़ होने वाली हैं, तो कंपेरिजन तो होगा। अब कौन सा मसाला ज़्यादा लोगों को पसंद आता है या दोनों ही मसाले पसंद आते हैं वो तो बताएगा, बट एक्साइटमेंट लेवल ऑफ सलार ऑब्वियसली इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ द फ्रेंचाइजी, आई वुड से बिकॉज ऑफ प्रशांत नील। ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि कुछ टाइम पहले हम ये बोलते थे कि जो डायरेक्टर्स है दे डोंट गेट देयर ड्यूज, नाउ डायरेक्टर्स आर टेकिंग द फ्रंट स्टेज बिकॉज दे ओन द स्टोरी, दे ओन द नरेटिव, और वो एक स्टार को स्टार की तरह प्रेजेंट करने में सक्षम होते हैं। तो प्रशांत नील जिस भी आज एक्टर के ऊपर हाथ डाल देंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि वो कुछ सोना बन के ही बाहर निकलेगा। तो ये देख के मुझे बिल्कुल अच्छा लगा कि जो बिहाइंड द कैमराज जो लोग हैं वो धीरे धीरे रिकग्निशन ले रहे हैं। डायरेक्टर से शुरू हुआ है, आई एम श्योर एक्शन डायरेक्टर्स भी होने लग गए हैं और बाकी लोग, एक्चुअली में तो म्यूजिक भी ठीक ठाक तरीके से रिकग्नाइज होता है लेकिन बाकी लोग ज़्यादा रिकग्नाइज अभी भी नहीं है, बट होगा। और उससे हमें यह भी समझ में आएगा कि एक मूवी बनाने के लिए कितना ज़्यादा एफर्ट लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग लगते हैं। एनीवे, सलार की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। आज शायद आपको फर्स्ट रियल लुक ऑफ ऑफिशियल लुक ऑफ प्रभास यहाँ आपको देखने को मिलेगा, डेट की क्लैरिफिकेशन ऑफ 14 अप्रैल भी आपको देखने को मिलेगी। क्लैश होना थोड़ा सा अवॉइड हो गया है, लेकिन अगर सलार KGF टाइप निकली तो उसका जो रन टाइम था करीबन 3 से 4 हफ्ते था, वो थिएटर्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जमी रही, तो फिर टाइगर को थोड़ी मुश्किलात का सामना कर सकता है। आपका क्या मानना है इस क्लैश को लेके ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, और प्लीज़ यार मतलब तमीज़ के दायरे के अंदर यार कोई खींचातानी मत करना, ये दोनों इंडियन मूवीज़ हैं यार, आज के दिन तो प्लीज़ मत लड़ना क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है यार, यूनिटी का दिन है यार। ठीक है, बाय बाय।